अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैंने बनाया है चिकन अफगानी। तो ऐसी चीजें अक्सर होटलों में और रेस्टोरेंट में देखने को और खाने को मिलती हैं, मगर वही जायकेदार खाना अगर हमारे घर में बनने लगे तो होटल और रेस्टोरेंट को तो भूल ही जाएंगे। तो इसको घर में बनाने का तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करना है चिकन मैरिनेशन। तो उसके लिए हम व्हाइट प्यूरी बना रहे हैं। व्हाइट प्यूरी के लिए क्या क्या चाहिए दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 250 ग्राम फ्रेश क्रीम है अमूल की। ये अगर ये नहीं है तो आप दूध पर की मलाई भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश क्रीम ली है, ये 250 ml है। और इसके बाद मैं ले रही हूँ दही। दही भी ये 250 ml है। दोनों की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए, दोनों को समान रेशो में लेना है, दही और फ्रेश क्रीम। इसके बाद लेना है काजू की पेस्ट, काजू की प्यूरी। उससे पहले इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर काजू भीग चुके हैं अच्छे से। अब इनको खोलकर देखना है कि अंदर कीड़े वगैरह तो नहीं, क्योंकि इसमें अक्सर कीड़े लगे रहते हैं कहीं कहीं काजू में, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैंने सारे काजू को खोलकर देख लिया है। अब मैं इनको पीस कर इसमें मिक्स कर दूंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने बहुत ही स्मूथ सी प्यूरी बना ली है काजू की भी। थोड़ा सा पानी ऐड किया है आधी कटोरी, और इसको भी इसमें मिक्स कर रही हूँ। अब अच्छे से मिक्स करना है तीनों को। काजू मैंने 20 लिए हैं, अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी, क्रश करके डालना है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पर जीरा पाउडर 1 चम्मच। इसके बाद आपके पास सफेद मिरी है तो उनको पीस कर डाल दीजिए, अगर नहीं है तो काली मिर्ची का पाउडर भी यहाँ पे चलेगा, काली मिरी का। ब्लैक पेपर पाउडर तकरीबन 1 चम्मच। इसके बाद मैं गरम मसाला 1 चम्मच ले रही हूँ। इसके बाद व्हाइट सिरका डाल रही हूँ यहाँ पर मैं 1 चम्मच। आपके पास नहीं है तो नींबू का रस भी ले सकते हो, 1 लेमन का रस लेना है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से फेंट लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से फेंट लिया है, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बनाते हैं ग्रीन प्यूरी। मैं वही जार यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने काजू की पेस्ट बनाई थी। तो यहाँ पर मैंने 10 से 15 ये हरी मिर्चें ली हैं। ये ज़्यादा तीखी नहीं है, मीडियम है। अगर आपके पास ज़्यादा तीखी है तो कम ले लेना। इसके बाद मैं ले रही हूँ मीडियम साइज की 2 प्याज को इस तरह से रफली चॉप करके। इसके बाद मैंने 10 से 15 अदद लहसुन के लिए हैं और 3 इंच अदरक ली है छील कर, और इस तरह से टुकड़ों में काट कर इनको भी इसमें डाल देना है मिक्सी के जार में। इसके बाद 1 कटोरी भर कर हरी धनिया लेनी है साफ धोकर। देखिए यहाँ पर मैंने ली है 1 मुट्ठी भर। मैंने हरी धनिया को भी डाल दिया है मिक्सी के जार में। अब मैं थोड़ा सा इनको पीस कर लेती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर पीस कर लिया है और थोड़ा सा पानी डालकर मैं इनकी प्यूरी बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इनको स्मूथ सा पीस लिया है। अब मैं निकालती हूँ एक बाउल में। दोनों प्यूरी बना ली है मैंने, अब चिकन को मैरिनेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1 kg चिकन लिया है। अब इसमें जाएगा जायके के मुताबिक नमक। नमक यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच डाल रही हूँ मैं। इसके बाद डालना है इसमें व्हाइट प्यूरी को जो हमने दही और फ्रेश क्रीम से बनाई थी, काजू की पेस्ट वगैरह डालकर। इसके बाद ग्रीन प्यूरी को भी डाल देना है। देखिए यहाँ पर मैंने डाल दिया है। अब अच्छे से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को। अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आधा घंटा रखिए, या फिर ऐसे हैंड टू हैंड भी इसको फ्राई करके ले सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको रात को भी मैरिनेशन करके रात भर रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 घंटे के लिए इनको रख रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब इनको ढक कर रखूँगी 1 घंटे के लिए। तो देखिए यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है। अब मैं इनको खोल रही हूँ। तो और एक बार इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और सारे पीसेस को एक अलग बर्तन में निकालती हूँ मैं, ताकि इसकी एक्स्ट्रा ग्रेवी है जो नितर जाए, ताकि हमें फ्राई करने में कोई दिक्कत ना हो। या फिर आप इस तरह से ग्रेवी को नितार कर भी फ्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सारे पीसेस को ग्रेवी से निकाल कर अलग बर्तन में रख रही हूँ, फिर इसके बाद मैं फ्राई करूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ सारे पीसेस। मैंने 2-3 नाप तेल डाल दिया है फ्राई पैन में, और बहुत थोड़े तेल में मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। शालो फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई नहीं। और गैस की फ्लेम को मैंने हाई पे रखा था स्टार्टिंग में, इसके बाद ही मैंने पीसेस डाले हैं। तो देखिए इस तरह का कलर आना चाहिए जो पहले पीसेस पर आया है ना, इस तरह का। देखिए इस तरह का कलर हमें चाहिए इन पीसेस पर।
दो से तीन मिनट होने के बाद ही पीसेस को पलट देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों साइडों को सेक लिया है, अच्छे से फ्राई कर लिया है, अब मैं निकाल रही हूँ। इसी तरह मैं दूसरा बैच भी फ्राई करके निकालती हूँ। तो देखिए यहाँ पर सारे पीसेस को मैंने फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पर अब बना रहे हैं हम ग्रेवी। तो ग्रेवी के लिए यहाँ पर कढ़ाई में मैंने 3 से 4 नाप तेल लिया है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं यहाँ पर 10 से 12 ये काली मिर्चें हैं, इसके बाद हरी इलायची और 4 से 5 लौंग हैं, इसके बाद ये बची हुई हमारी प्यूरी, सफ़ेद प्यूरी है। सफ़ेद और ग्रीन दोनों को मिलाकर जो रखा था ना मैरिनेशन करके चिकन, वो वाली प्यूरी डाल दी है मैंने। अब अच्छे से 2-3 मिनट के लिए इनको चला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी को थोड़ा सा ढककर पकाएंगे 6 से 7 मिनट तक। तो देखिए यहाँ पर 6 से 7 मिनट तक मैंने ग्रेवी को पका लिया है, ग्रेवी पक चुकी है। अब अच्छे से एक बार मिक्स करके तो चिकन पीसेस को मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं चिकन पीसेस को डाल रही हूँ, और चिकन पीसेस डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद इनको स्लो फ्लेम पे ढक के रखना है तकरीबन 10 से 12 मिनट तक। बीच बीच में से 1-2-3 बार चेक करते रहना है कहीं मसाला नीचे चिपक तो नहीं गया। तो चलिए यहाँ पर मैं ढक कर रख रही हूँ, और गैस के फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो पे रखा है। तो देखिए यहाँ पर 10 से 12 मिनट नहीं, मैंने तकरीबन इनको आधा घंटे के लिए पका लिया है स्लो फ्लेम पे। बिल्कुल स्लो फ्लेम रखा था मैंने गैस की, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकने दिया था ताकि हमारा चिकन बहुत ही सॉफ्ट पक जाए, बिल्कुल बर्फी की तरह टूट जाए। तो देखिए ग्रेवी भी हमारी कितनी मज़ेदार बन चुकी है, कितना अच्छा तेल छोड़ दिया है इस ग्रेवी ने। अगर आपके ग्रेवी ने तेल रिलीज़ नहीं किया है तो आप क्या कर सकते हो, जिसने आपने चिकन फ्राई किया है ना, उस तेल को इसमें थोड़ा सा डाल सकते हो 2-4 चम्मच, और थोड़ा सा पका लेना है। इसके बाद ग्रेवी में अच्छा सा तेल भी दिखने लगेगा और ग्रेवी मज़ेदार भी दिखेगी। मैंने एक हरी मिर्च डाल दी है, 2-4 हरी मिर्च डालकर आप इनको थोड़ा सा 5 मिनट के लिए पका भी ले सकते हो। मैंने यहाँ सिर्फ एक मिर्ची कट लगाकर डाल दी थी और इनको थोड़ा सा पका लिया था 1-2 मिनट के लिए। तो फाइनली हमारा चिकन अफगानी बनकर तैयार है। आपने इसको बनाना कितना आसान है, तो आप भी इस डिश को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है ये रेसिपी। चिकन के बहुत सारे रेसिपीज़ मेरे चैनल पे अपलोड हैं, सारे वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप लिंक ओपन करके देख सकते हो। तो चलिए मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में हमें याद करिए। अल्लाह हाफिज़।